गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माई डियर फ्रेंड्स टूडेज ट्वेंटी 28th टू थाउजेंड 2023 थ्री लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं दोनों ही न्यूज़पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम चैनल ट्विटर रिसर्च गेट फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं अदर फाइनेंस और इकोनॉमी रिलेटेड अपडेट्स के लिए रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की वन पॉइंट टू फाइव एक्स थॉट ऑफ द डे इज द मैन हु हैज कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ द कॉन्फिडेंस ऑफ अदर्स आज के मिंट पेपर की अप्रोसी ग्यारह इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस है बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली सोलह इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस है और आज के डिस्कशन में भी हम 16 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर एक पर दिया हुआ है ई यू प्लांस ड्यू इंटेलिजेंस लॉस पार्क अन ईज इन इंडिया अभी रिसेंटली हमने ई के कार्बन टैक्स के बारे में डिस्कस किया था जहाँ पर हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में इस कार्बन टैक्स को लेकर के सी बी एम मैकेनिज़म को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा है उसी पर्टिकुलर डिस्प्यूट के बाद अब यूरोपियन यूनियन ने एक डायरेक्टिव्स को फॉलो करने की के लिए फिर से एक पुश दिया है इट मींस कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए यूरोपियन यूनियन जो है वो एक नया लॉ जो है वो पुश कर रहा है जहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके सप्लायर्स को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो जितने भी कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड नॉर्म्स हैं जैसे कि लेबर लॉस ह्यूमन राइट चाइल्ड लेबर फोर्स लेबर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी इन सारे लॉज को फॉलो कर रहे हैं और अगर ऐसी कोई भी बड़ी कंपनी जिसके सप्लायर्स इस तरह के किसी भी लॉ का वाइयेशन कर रहे हैं चाहे वो लेबर लॉज हों चाहे वो ह्यूमन राइट्स हों चाहे वो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड लॉज हों अगर उनके सप्लायर इस तरह के किसी भी कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी लॉ का वायोलेशन कर रहे हैं देन इन दैट केस उन पर एडिशनल ड्यूटी एडिशनल टैक्सेस या एडिशनल चार्जेस जो है वो इम्पोज करे जाएंगे और इसी को लेकर के इंडिया का जो है वो एक फियर स्पार्क हुआ है इंडिया का ये मानना है या न्यू दिल्ली का ये मानना है कि इस तरह का जो लॉ यू परस्यू कर रही है जो लाने जा रही इस तरह के डायरेक्टिव्स उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें इंडिया की माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस में देखने को मिलेगा तो ऐसी जितनी भी छोटी छोटी कंपनीज हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज के सप्लायर हैं स्पेशली यूरोपियन यूनियन कंपनीज के जो सप्लायर्स हैं उन पर इस तरह के डायरेक्टिव्स का सीधा इंपैक्ट पड़ेगा हालांकि अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन का ये कहना है कि इस तरह के जो नए लॉज हैं जो नए डायरेक्टिव्स हैं नए नॉर्म्स हैं ये कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी ड्यू इंटेलिजेंस ड्यूटी को और अच्छे से इस्टेब्लिश करेंगे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को मिनिमाइज करेंगे तो ऐसा मानना है ई यू का ई यू में रिसेंटली इन्वायरमेंट को लेकर के ह्यूमन राइट्स को लेकर के एक सडन मोमेंटम देखने को मिला और कार्बन टैक्स भी उसी पर्टिकुलर लाइन में ही था अब कार्बन टैक्स के बाद जो ये नए डायरेक्टर्स कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी को लेकर के जो जो ये ड्यू इंटेलिजेंस ड्यूटी को ईयू पुश कर रहा है उसको लेकर के इंडिया के अपने रिजर्वेशंस हैं इंडिया का ये कहना है कि दिस पर्टिकुलर लॉ दिस पर्टिकुलर डायरेक्टिव्स बाई ई यू मे रेज द कंप्लाइंसिस कॉस्ट एंड इम्पैक्ट दुमल बिजनेस क्योंकि अगर जो एम एस एम ईज़ हैं अगर हम उनको देखें इंडिया में तो उनको बहुत सारे लेबर लॉज से और बहुत सारे इंडस्ट्रियल लॉ से सोशल सिक्योरिटीज़ लॉज से एग्जैम्प्ट किया गया है इसीलिए ताकि उनको एक इंक्यूबेशन प्रोवाइड किया जा सके और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो सके और जब वो बड़ी कारपो कंपनी में डेवलप हो जाती हैं तो उन पर वो सारे लॉस फिर से अप्लीकेबल हो जाते हैं तो इंडिया का ये मानना है कि जो इंडिया ने एम को जो एग्ज़म्पन प्रोवाइड किया है इन सारे लेबर से और ये चाइल्ड लेबर से रिलेटेड ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी इंडस्ट्रियल और सोशल सिक्योरिटीज़ लॉ से रिलेटेड अगर ये सारे एग्जाम्शन इंडिया नहीं प्रोवाइड करेगा तो कंप्लाइंसेस कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी एमएसएमईज़ की जिसकी वजह से जो इवेंचुअल जो प्रोडक्ट कॉस्ट है सर्विस कॉस्ट है वो भी इंक्रीज करेगी और अगर प्रोडक्ट कॉस्ट और सर्विस कॉस्ट इंक्रीज कर रही है तो डेफिनेटली इंटरनेशनल मार्केट में जो इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो लेस कॉम्पिटेटिव हो जाएगा जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें एम के बिजनेस पर देखने को मिलेगा और इसी की वजह से इंडिया में इस पर्टिकुलर इशू को लेकर के एक सडन स्पार्क और अन देखने को मिल रहा है और इसी पर्टिकुलर कंटेक्स में इंडिया के साइड से जो ऑफिशियल हैं उनका ये है कहना है कि अगर हम ईयू के इस कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी ड्यू इंटेलिजेंस ड्यूटी को देखें तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 11 पैरामीटर्स हैं 11 पैरामीटर्स हैं जिसमें कई सारे लेबर लॉज हैं कई सारे सोशल सिक्योरिटीज लॉज हैं हेल्थ एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी को रिलेटेड से रिलेटेड लॉज हैं चाइल्ड लेबर्स फोर्स लेबर इन सब से रिलेटेड लॉज हैं और डेफिनेटली इन सब का जो प्रूफ है अगर हम अगर ई यू ये पर्टिकुलर डायरेक्टिव जो है वो इशू कर देता है और इस लॉ को इम्प्लीमेंट कर देता है तो जो प्रूफ का बर्डन है वो किस पर फॉल करेगा डेफिनेटली वो जो जो एक्सपोर्टर्स हैं उन पर फॉल करेगा इंडिया के जो एम एस एम ईज़ हैं उन पर फॉल करेगा एंड इट मे इनक्रीज़ द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग और डूइंग बिजनेस विद ई यू तो डेफिनेटली इंडिया विल लूज द बिजनेस ऐसा इंडियन ऑफिशियल्स का और इंडियन साइड के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका मानना है सो लेट अस सी कि आगे क्या प्रोग्रेस होती है फिर हम इस न्यूज को डिटेल में डिस्कस करेंगे अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर टू दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर वन ऑफ मिंट पेपर एयर इंडिया ड्रॉस एंटी ट्रस्ट स्क्रूटनी ऑन प्रपोज मर्जर विथ विस्तारा रिसेंटली हमने न्यूज डिस्कस करी थी कि टाटा ग्रुप ने जो एयर इंडिया को एक्वायर किया था उसके बाद जो टाटा एस आई एयरलाइंस है विस्तारा का उससे मर्जर होने का डिसीजन टाटा ने लिया था तो टाटा एयरलाइंस का जो प्रपोज मर्जर था विस्तारा से विस्तारा टाटा तो मर्जर का अनाउंसमेंट हुआ था उस मर्जर को लेकर के इंडिया का जो एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर है कौन है इंडिया का एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए तो उसी पर्टिकुलर मर्जर को लेकर एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर ने एयर इंडिया को शो कॉज नोटिस सेंड किया है जहाँ पर एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का ये कहना है या सीसीआई का ये कहना है कि अगर ये मर्जर हुआ कौन सा मर्जर एयर इंडिया का मर्जर अगर विस्तारा से हुआ तो डेफिनेटली इट मे हैव द पोटेंशियल हार्म टू द कंपटीशन इन डोमेस्टिक एविएशन मार्केट तो ऐसा मानना है सी सी आई का और इसी पर्टिकुलर इशू को लेकर के सी ने एयर इंडिया को नोटिस दिया और एयर इंडिया के पास तीस दिन का टाइम है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया और एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर के इस नोटिस का जवाब देना देने के लिए और इसी के बाद इस पर्टिकुलर नोटिस के बाद या हो सकता है इस आंसर के बाद ही इस मर्जर के लिए अप्रूवल इस पर्टिकुलर नोटिस के अप्रूवल के बाद या इस पर्टिकुलर नोटिस के आंसर के बाद ही प्रॉबली इन दो एयरलाइंस को अं, मर्ज होने का अप्रूवल मिले अब टाटा के पास क्या ऑप्शन है टाटा के पास ऑप्शन है या तो विस्तारा में जो टाटा का स्टेक है उसको डायवेस्ट कर दे टाटा और जो बिहेवियरल गाइडलाइंस हैं उसको लेकर के एग्रीमेंट करे जो कि रिसेंटली सीसीआई ने कंपटीशन को लेकर के इशू करी है जैसे कि बिना किसी सीसीआई सीसीआई इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीडिंग्स के इस पर्टिकुलर एयरलाइन के, के लिए इस पर्टिकुलर दो एयरलाइंस के मर्जर के लिए अप्रूवल मिल जाए तो दो ऑप्शन है इस समय टाटा ग्रुप के पास या तो विस्तारा में अपने स्टेक को डाइवर्स कर दे या तो बिहेवियर गाइडलाइंस जो कि जिसको लेकर के सी ने अपने इश्यूज कॉम्पिटिशन इश्यूज को लेकर के एड्रेस किया उसको मानते हुए आगे बढ़े जिसके बाद सी जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेगी इन ऑर्डर टू सी वेदर दिस मर्जर एडवर्सली इम्पैक्ट द लोकल एविएशन मार्केट और नॉट तो फिलहाल के लिए जो विस्तारा और एयर इंडिया का मर्जर होने वाला था उसको लेकर के क्वेश्चन मार्क है लेटर सी कि टाटा ग्रुप सी सी को क्या रिस्पॉन्स देता है और उसके बाद क्या सी सी आई इस पर्टिकुलर इशू पर इन्वेस्टिगेशन या प्रॉप लॉन्च करता है या नहीं अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर थ्री दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर वन ऑफ मिंट पेपर एन एस सी बी एस सी स्मोक पीस पाइप ऑन एफ एन ओ एक्सपायरी डेट तो फाइनली एन एस सी और बी एस सी के बीच में जो राइवलरी चल, चलती हुई आ रही थी रिलेटेड टू एफ एन ओ एक्सपायरी डेट उसको लेकर के थोड़ा सा रिलीफ uh, मिलता हुआ नजर आ रहा है बी एस सी को इन अ मेजर रिलीफ टू बी एस सी एन एस सी ट्यूजडे विद डो इट्स डिसीजन टू शिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट टू फ्राइडे जो कि सात जुलाई से इफ़ेक्टिव हो जाएगा तो फिलहाल के लिए निफ्टी ने इस डिसीजन को विड्रॉ कर लिया है और जो रीज़न साइट किया है निफ्टी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एन ने जो रीज़न साइट किया है कि वो मार्केट डेवलपमेंट का एन एफ एन एस के अकॉर्डिंग मार्केट डेवलपमेंट के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए फिलहाल के लिए जो फ्यूचर और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी को लेकर के जो डिसीजन था फ्राइडे को वो फिलहाल के लिए जो फ्राइडे को शिफ्ट किया गया था फिलहाल के लिए उसको विड्रॉ कर लिया है एन ने तो अब क्या होगा अब जो बैंक निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो थर्सडे को ही एक्सपायर हो जाएंगे और इसी को लेकर के इसी पर्टिकुलर थर्सडे और फ्राइडे को लेकर के एन और बी के बीच में काफ़ी टाइम से राइवलरी चल रही थी या डिस्प्यूट चल रहा था तो फाइनली जो एन है वो एग्री कर गया है बी के डे पर तो अब थर्सडे को ही जो निफ्टी बैंक निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट हैं और जो फ्यूचर ऑप्शंस हैं वो एक्सपायर होंगे सो कंसिडरिंग द नीड ऑफ फॉर बैलेंस मार्केट डेवलपमेंट एंड अवॉइडेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन रिस्क इन द मार्केट बी ने रिक्वेस्ट करी थी एनएससी से कि जो ये डिसीजन है फ्राइडे का इसको रिकन्सिडर किया जाए फाइनली निफ्टी जो है वो एग्री कर गई है बी की इस रिक्वेस्ट पे तो अब जो 7 जुलाई से इंप्लीमेंट होना था ये फ्राइडे वाला डिसीजन और फिलहाल के लिए इमीडिएट इफेक्ट से विड्रॉ कर लिया गया है आप देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल एसपी रेजेस रुपीज फोर्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड करोड़ वाया हाई ईल्ड डेट तो एस एन पी ग्रुप ने अप्रॉक्सीमेटली चौदह हजार तीन सौ करोड़ का फंड रेज किया है फ्रॉम द क्लच ऑफ प्राइवेट क्रेडिट इन्वेस्टर्स एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और इस पर्टिकुलर फंड रेजिंग एक्सरसाइज में एस एन पी ग्रुप ने जो टाटा सन्स के जो शेयर्स हैं उनको प्लेज किया है एज अ कोलेट्रल और ये जो फंड रेज किया गया है दिस फंड हैज़ बीन प्राइमरिल रेज टू री फाइनेंस इट्स डेट एज पर दीपल अवेयर अबाउट दिस मैटर तो अपने डेट को रीफाइनेंस करने के लिए टाटा सन्स के जो शेयर्स हैं उनको एज अ कोलेट्रल रख करके एस एन पी ग्रुप ने और सपोजी पुलन जी ग्रुप ने अप्रॉक्सिमेटली चौदह हजार तीन सौ करोड़ का फंड रेज किया है और इस पर्टिकुलर फंड रेजिंग एक्सरसाइज में कई सारे फॉरेन बैंक्स भी इन्वॉल्व हैं जैसे कि स्टैंडर्ड एंड चार्टर और नामूरा होल्डिंग से भी फंड रेजिंग करी गई है इसके अलावा जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने भी सिग्निफिकेंटली इस फंड रेजिंग एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है अब देख लेते हैं नेक्स्ट एच डी एच डी एफ बैंक मर्जर ऑन जुलाई तो फाइनली हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एच बैंक का जो मर्जर है जो शेड्यूल था वो फर्स्ट जुलाई से इफेक्ट में आ जाएगा फर्स्ट जुलाई वो मर्जर कंप्लीट हो जाएगा कंबाइनिंग द कंट्रीज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर विद द नेशन टॉप लेंडर और अप्रोक्सीमेटली जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स थे इस पर्टिकुलर मर्जर को लेकर के वो भी ग्रांट हो गए हैं तो फर्स्ट ऑफ जुलाई से ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो दोनों ही एंटिटीज हैं ये मर्ज हो जाएंगे अप्रोक्सीमेटली फोर्टीन बिलियन डॉलर का ये मर्जर है के का ये मर्जर है एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी सिग्निफिकेंट मर्जर इन केस ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर फोर दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर वन ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड फाइनेंस मिनिस्ट्री इवेलुएट्स इशू फ्लैक्ड बाई बैंक्स अभी रिसेंटली फॉरन रेमिटेंसेस से रिलेटेड एक नया रूल इंप्लीमेंट किया गया है जहां पर यह मैंडेट किया गया कि अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी परसेंट टी सी एस टी सी एस स्टैंड फॉर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स जो है वो डिडक्ट किया जाएगा ऑन फॉरन रेमिटेंसेस तो इसी इशू को लेकर के कई सारे जो बैंक्स हैं उन्होंने कुछ कंसर्न रेज किए हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से उन्होंने कहा है कि उनका जो सिस्टम है जो अदर प्रिपेयर प्रिपरेशन है जो कि uh, इस पर्टर नए रूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए जरूरी है फिलहाल के लिए उसको लेकर के बैंक्स जो है वो प्रिपेयर नहीं है क्योंकि कुछ बैंक्स ने बोला है फाइनेंस मिनिस्ट्री से कि नया रिपोर्टिंग सिस्टम है वो रिक्वायर है इस नए रूल को इंप्लीमेंट करने के लिए सिस्टम में कुछ चेंजेस की ज़रूरत है हालाँकि कुछ बैंक जो हैं उन्होंने रिक्वायर्ड सिस्टम को मेनटेन करके रखा है लेकिन कुछ बैंक्स जो हैं वो अभी भी और ज़्यादा टाइम मांग रहे हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से लेकर के इसके अलावा जो कुछ क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ हैं उन्होंने भी आ, प्रोसीजर में मॉडिफिकेशन के लिए कुछ और टाइम मांगा है फाइनेंस मिनिस्ट्री से हालांकि अगर इस नॉर्म की बात करें जो नया रूल है ये एक जुलाई से इंप्लीमेंट होने वाला है यानी फर्स्ट ऑफ़ तो जुलाई से यानी तीन दिन बाद ये रूल जो है वो ट्वेंटी टैक्स कलेक्शन का ये इंप्लीमेंट हो जाएगा इसी को लेकर के कुछ बैंक जो हैं क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ हैं ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास गई और उन्होंने बोला कि फिलहाल के लिए जो हमारा सिस्टम है रिपोर्टिंग सिस्टम है वो तैयार नहीं है इस नए रूल के अकॉर्डिंग सो वी वॉन्ट सम मोर टाइम इसी को लेकर के जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो उन सारे इशूज़ को इवालुएट कर रही है जो कि बैंक्स ने और अदर फाइनेंशियल कंपनीज ने रेस किए हैं हालांकि ये जो फर्स्ट जुलाई की जो डेडलाइन है इसको एक्सटेंड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा इसको लेकर के अभी कोई भी डिसीजन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नहीं लिया है लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रोसीजरल चैलेंजेस बैंक को देखने को फेस करने को मिल तो प्रॉब्बली हो सकता है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है इस फर्स्ट ऑफ जुलाई की जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड कर दे सो सोटा सी कि इसको लेकर क्या डिसीजन आता है फिलहाल के लिए जो फॉरेन रेमिटेंसेस को लेकर के एल के तहत जो नए रूल्स आए हैं उसमें अब 20 परसेंट टी जो है वो डिटेक्ट होगा जो कि पहले कितना था 5 परसेंट था हालांकि जो मेडिकल और एजुकेशनल रेमिटेंसेज हैं उन पर अभी भी 5 परसेंट का ही टी सी एप्लीकेबल है इसके अलावा रुप सात लाख रुपए तक के जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड एक साल में खर्च डेबिट और क्रेडिट कार्ड के थ्रू एक साल में खर्च किए जा रहे हैं ऑन फॉरेन ट्रैवल वो भी एल से एक्सेम्प्टेड हैं इसके अलावा इसके अलावा थ्रेश की लिमिट हम इस न्यूज़ को कवर भी कर चुके हैं दो लाख पचास हजार का अमाउंट है दैट आर रेजिडेंस इज फ्रीली परमिटेड टू रेमिट आउटसाइड द इंडिया इन अ फाइनेंशियल ईयर अंडर दिस एल आर एस सिस्टम इस न्यूज़ को हम पहले भी कवर कर चुके हैं सारे रिलैक्सेशन हम डिस्कस कर चुके हैं तो इन्हीं सारे नए रूल्स को लेकर के जो इंप्लीमेंटेशन होना है उसमें कुछ प्रोसीजरल चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं बैंक्स को और इसीलिए बैंक्स और क्रेडिट कार्ड कंपनीज ने रिक्वेस्ट करी है फाइनेंस मिनिस्ट्री से कि जो जुलाई फर्स्ट की डेट है इसको फिलहाल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए सी की डेट एक्सटेंड होती है या अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर फाइव दट इज गियन ऑन पेज नंबर फोर ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड इंडिया सेट टू गेट इट्स फर्स्ट लिस्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल मिनरल्स टुडे इन ऑर्डर टू इनहेंस द सेल्फ सफ़िशिएंसी एंड रिसोर्स सस्टेनेबिलिटी सेंटर गवर्नमेंट इज नाउ गोइंग टू इशू अ कॉम्प्रीहेंसिव लिस्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल ऑन वेडनेसडे यानी आज आज सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया के जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी लिस्ट इशू करेगा और ये पहली ऐसी लिस्ट होगी जो इंडिया में इस तरह की कोई भी लिस्ट पब्लिश करी जाएगी इसका पर्पस क्या है इसका सीधा पर्पस यही है गवर्नमेंट ये चाहती है कि इन सारे क्रिटिकल मिनरल्स के एरियाज में इंडिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंट रहे और जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है वो सस्टेनेबल फॉर्म में हो अनलीस्ड यूटिलाइजेशन ना हो और इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो है वो रिड्यूस करी जाए तो कई सारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स के साथ ये जो कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है क्रिटिकल मिनरल्स की ये आज इशू करी जाएगी यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिस्टर प्रहलाद जोशी इस पर्टिकुलर लिस्ट को रिलीज करेंगे जिसका नाम होगा रिपोर्ट ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया और इसमें सीधा ऐसे जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा प्रायोटाइज किया जाएगा जो कि इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक्स टेली ट्रांसपोर्ट डिफेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इन सारे सेक्टर की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए मिनरल्स को प्रायोटाइज किया जाएगा उन पहले उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा कौन कौन से मिनरल्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं इन सारे सेक्टर्स के लिए हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन डिफेंस इट मीन्स जितने भी स्ट्रेटेजिक सेक्टर इंडिया के स्ट्रेटेजिक सेक्टर जो कि इंपॉर्टेंट है उनमें किस तरह के मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है और कितनी रिक्वायरमेंट और कितनी इंडिया में अवेलेबिलिटी उसके अकॉर्डिंग इन सारे मिनरल्स को प्रायोरिटाइज किया जाएगा और एक्सपर्ट का मानना है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है जो कहीं ना कहीं इंडिया के मिनरल सेक्टर को स्ट्रेंदन करने का काम करेगा इंडिया का जो कमिटमेंट है मिनरल सेक्टर की तरफ गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है उसको स्ट्रेंदन करेगा इंडिया की जो डिपेंडेंसी है इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है इन सारे क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के उसको भी कम करने का काम करेगा सप्लाई चेन रिजिलियंस को इंप्रूव करेगा प्राइस की जो वो लैबिलिटी है जो प्राइस जिस तरह से फ्लैक्चुएट करता है इन मिनरल्स के केस में उसको भी मेनटेन करने का काम कर तो मल्टीपल एडवांटेजेस जो हैं वो ऑफर करेगी ये लिस्ट ऐसा मानना है फिलहाल के लिए गवर्नमेंट का जो सीधा पर्पस है सेल्फ सफिशेंसी बेस्ट रिसोर्स यूटिलाइजेशन सस्टेनेबिलिटी एंड रिड्यूस इन और रिडक्शन इन इम्पोर्ट डिपेंडेंसी इन सारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ गवर्नमेंट जो है वो क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट आज पब्लिश करेगी अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें इंडिया में तो अभी क्या है फ़िलहाल के लिए इस तरह के किसी भी कोई भी स्पेसिफिक लिस्ट नहीं है इंडिया के पास कि इंडिया के में किस तरह की मिनरल्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कौन से क्रिटिकल मिनरल्स हैं किस तरह के मिनरल्स इंडिया में कम पाएगा इस तरह के कोई एक स्पेसिफिक लिस्ट अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से मिनरल्स की नीड को लेकर के उसकी सप्लाई को लेकर के उसके यूटिलाइजेशन को लेकर के एक प्रॉपर स्ट्रेटजी इंडिया में नहीं बन पा रही है और इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन भी मिन, जो मिनरल्स का है उनका नहीं हो पा रहा एंड दैट इज़ वाई द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू पब्लिश दिस लिस्ट और ऐसा कहा जा रहा है कि ये लिस्ट है गाइडलाइंस की तरह काम करेगी फॉर पॉलिसी फार्मूलेशन जैसे कि मैंने डिस्कस किया प्लानिंग इन्वेस्टमेंट एक्सप्लोरेशन यूटिलाइजेशन सस्टेनेबिलिटी किस तरीके से इन क्रिटिकल मिनरल्स को यूज़ किया जाए अगर हम बात करें इंडिया के इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल्स की तो कॉपर लिथियम निकल कोबार्ट ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट हैं ये सारे इंडिया के लिए इस समय बहुत इंपॉर्टेंट हुए कि जिस तरीके से इंडिया क्लीन और ग्रीन एनर्जी पर फोकस कर रहा है जिस तरीके से इंडिया सोलर फोटो वॉल्टिक सेल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज और इलेक्ट्रिक मैग्नेट्स पर फोकस कर रहा है उस पर्टिकुलर कंटेक्स को देखते हुए आगे आने वाले टाइम में इंडिया में भी इन सारे क्रिटिकल मिनरल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी नीड बढ़ेगी और इसके अलावा ग्लोबल लेवल पर भी इनकी डिमांड बढ़ेगी एज ऑफ ना चाइना जो है वो इन सारे मिनरल डिपॉजिट्स पर डोमिनेट करता है सो चाइना करेंटली डोमिनेट्स बोथ ग्लोबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स दोनों ही केसेस में डिपॉजिट्स भी चाइना के पास ज़्यादा है और प्रोसेसिंग में भी चाइना जो है वो आगे है वर्ल्ड और डामिनेट करता है अदर कंट्रीज़ को तो फिलहाल के लिए इट इज़ अ वेरी फर्स्ट स्टेप इन ऑर्डर टू इंश्योर द सेल्फ सफिशेंसी एंड सिक्योरिटी इन केस ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स इन इंडिया चाइना के अलावा जो अदर कंट्रीज हैं उनका क्या सीन है चाइना के बाद यूएस यूके और कैनेडा जो है इस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सेल करते हैं अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो कि पेज नंबर छह पर दिया हुआ है कैड इन क्वार्टर फोर नैरोस फॉर करंट अकाउंट डेफिजिट अब इस न्यूज को समझने के लिए कैट को समझना जरूरी है करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है सो करंट अकाउंट डेफिसिट हैपेंस व्हेन द वैल्यू ऑफ कंट्रीज

और कई बार आपने ट्विन डेफिसिट का भी नाम सुना होगा तो कैड एंड फिजिकल डेफिसिट टुगेदर मेक अप द ट्विन डेफिसिट दैट इंपैक्ट द स्टॉक मार्केट एंड द इन्वेस्टर्स एंड अदर फाइनेंशियल मार्केट तो ये तो बात रही कैड की अब न्यूज है इंडिया का जो कैट है वो सीक्वेंशियली डिक्लाइन किया है 0.2 परसेंट ऑफ जीडीपी इन मार्च 2023 क्वार्टर यानी क्वार्टर फोर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 यानी जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है उसके क्वार्टर फोर में इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो पिछले क्वार्टर यानी क्वार्टर थ्री के कंपेरिजन में डिक्लाइन किया है क्वार्टर थ्री में कितना कैट था अप्रॉक्सीमेटली टू परसेंट था जो कि क्वार्टर फोर में डिक्लाइन होते हैं जीरो पॉइंट टू परसेंट रह गया है रीजन बिहाइंड द रीजन बिहाइंड मॉडरेशन इन द ट्रेड डेफिसिट इज रोबस्ट सर्विस एक्सपोर्ट जो हमारा सर्विस एक्सपोर्ट है वो उसमें हमें सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिली है क्वार्टर फोर में जिसकी वजह से जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो थोड़ा सा मिनिमाइज़ हुआ है तो करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो रहा है तो ये कंट्री के लिए अच्छा होता है इट मीन्स हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो पिछले क्वार्टर यानी क्वार्टर थ्री के कंपेरिजन में क्वार्टर फोर में हमने ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है और जो एक्सपोर्ट हुआ है वो सर्विस के केस में ज्यादा वो सर्विस एक्सपोर्ट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया रोबोस सर्विस एक्सपोर्ट देखने को मिला क्वार्टर फोर में जिसकी वजह से जो हमारा कैड है क्वार्टर uh, फोर में वो थोड़ा सा मॉडरेट हुआ है कैड वॉज ऑल्सो लोअर इन क्वार्टर फोर ऑफ फाइनेंशियल एड ट्वेंटी थ्री कंपेयर टू लास्ट ईयर सेम क्वार्टर यानी क्वार्टर फोर ऑफ फाइनेंशियल एट ट्वेंटी टू के कंपेरिजन में भी इस पर्टिकुलर क्वार्टर में जो हमारा कैड रहा है वो कम रहा है और ये कौन कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिसेंटली जो पब्लिश डेटा है उसके अकॉर्डिंग अब बात करते हैं अगर ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर को देखें तो जो कैड है वो टू परसेंट ऑफ जीडीपी रहा है इन फाइनेंशियल ईयर 23 कंपेयर टू 1.2 परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर 22 हालांकि क्वार्टर फोर में तो हमें डेक्लाइन देखने को मिला क्वार्टर फोर क्वार्टर फोर का कंपैरिजन करें तो पिछले साल के कंपैरिजन में डेक्लाइन है लेकिन अगर ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर इन ट्वेंटी में हमारा जो कैड है वो इंक्रीज हुआ है सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है दो परसेंट का हमारा कैड रहा है जबकि लास्ट ईयर यानी 22 में ये केवल वन टू परसेंट था और इसका रीज़न अपटिक इन मर्कन्टाइज एट इम्पोर्ट ड्यू टू तो हाई ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस तो इस ड्यूरेशन में जो कमोडिटीज के प्राइसेस अगर आपको याद हो तो चिप के प्राइसेस और जो मिनरल्स हैं उनके प्राइसेस स्टील के प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए थे क्रूड ऑयल के प्राइसेस जिसकी वजह से हमें अपने इंपोर्ट्स के लिए ज़्यादा बिल पे करना पड़ा था एंड दैट इज़ वाई जो हमारा इम्पोर्ट वैल्यूएशन है वो ज़्यादा दिख रहा है फाइनेशियल ईयर ट्वेंटी में जिसकी वजह से ये हमें कैट जो है वो अपना इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है एज़ पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑल दो जो नेट सर्विस रिसीट्स हैं वो दोनों ही साइल में हमारा पॉजिटिव रहा है ऐसा इस डेटा का मानना है सो दिस इज द ट्रेड स्टैंडिंग करंट अकाउंट बैलेंस इन टर्म्स ऑफ परसेंट ऑफ जी डी पी फाइनेंशियल ट्वेंटी ट्वेंटी सेवनटीन से लेकर के ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तक का डेटा दिया हुआ कैन जस्ट हैव द ग्लेम्स ऑफ इट कितना कितना हमारा जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो रहा मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नेगेटिव ही रह रहा है और ये जनरल ट्रेंड है इन्हने केस में क्योंकि हम इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं वी आर द इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री स्पेशली क्रूड ऑयल को ले की वजह से जो हमारा इम्पोर्ट बिल्स है वो हमेशा ज्यादा रहता है जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम हम करंट अकाउंट डेफिसिट की सिचुएशन में ही रहते हैं हालांकि फाइनेंशियल एयर ट्वेंटी में हमें थोड़ा सा सप्पल देखने को मिला था इसका रीज़न वी हैव डिस्कस पैंडेमिक के ड्यूरेशन में इंडिया का जो इंपोर्ट था वो सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हुआ था अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स और बिजनेस ने डीलिंग इन शेयर्स ऑफ थ्री अदानी फॉर्म्स अंडर सेबी लेंस तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो अडानी ग्रुप के कुछ शेयर्स की डील है तीन जो डील्स हैं अडानी गौतम अदानी लेट कंपनी की अडानी पावर अडानी ग्रीन एनर्जी और अंबुजा सीमेंट इन सबको इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया है सेबी के लेंस में तीन अडानी फॉर्म्स की जो डील्स हैं वो आई हैं फिलहाल के लिए से भी बहुत टाइम से उस पर्टिकुलर एलिगेशन के बाद से जो हिंडन भग रिपोर्ट के बाद लगा था तो उसको लेकर के सभी ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है अडानी ग्रुप के अगेंस्ट फिलहाल के लिए जो तीन अडानी फॉर्म्स हैं उनकी जो शेयर डीलिंग है उसको लेकर के सेबी फिर से अपना इन्वेस्टिगेशन इंटेंस कर चुकी है क्योंकि सेबी का मानना है कि प्रॉब्बली इस पर्टिकुलर डील में इंसाइडर ट्रेडिंग जैसी जो प्रैक्टिसेस हैं वो फॉलो ही है। और इसी को लेकर के सेबी ने इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दिया है इन तीन डील्स पर आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप एयर इंडिया गेट सी, -सी नोटिस ऑन विस्तारा मर्जर प्लान दैट वी हैव हाँ डिस्कस्ड इन मिंट इसके अलावा एच डी एफ सी ट्वेंट मर्जर में टेक इफेक्ट फ्रॉम जून जुलाई वन ये न्यूज़ भी हम डिस्कस कर चुके हैं मिनट में आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप प्रोसेस स्लैश वैल्यूएशन ऑफ बायजूस बाई सेवेंटी फाइव परसेंट टू डॉलर फाइव पॉइंट वन बिलियन तो रिसेंटली जो बाय जूस के केसेस चल रहे हैं जिसमें बायोजूस कई सारे पेमेंट में डिफॉल्ट हुआ है यू एस के एक क्रेडिटर कंपनी के साथ भी यू एस में केस फाइल किया है उसके बाद से जूस पर इवन कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्ट्री ने भी अपना जो प्रॉब है वो लॉन्च कर दिया है इसके इन सारी न्यूज़ के बाद से जो डच लिस्टेस टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर है प्रोसेस एन उसने फिलहाल के लिए इंडिया का जो एजुकेशन स्टार्टअप है बाईजूस उसका वैल्यूएशन स्लैश कर दिया है स्लैश कर दिया है मतलब घटा दिया है माइनस कर दिया अप्रॉक्सीमेटली पचहत्तर तक का वैल्यूएशन स्लैश क्या है लास्ट ईयर अगर हम देखें स्टार्टअप का वैल्यूएशन किया था रिड्यूस करके डॉलर फाइव पॉइंट वन कर दिया है सो प्रोसेस कट द वैल्यू ऑफ इट्स नाइन पॉइंट सिक्स परसेंट इन बायूस टू अराउंड डॉलर फोर मिलियन इन द फाइनेंशियल ईयर एंडेड इन मार्च थर्टी एज पर इट्स एनुअल रिपोर्ट एंड इट इज अ वेरी वेरी बिग सेटबैक फॉर बाय जूस अब देख लेते हैं नेक्स्ट गवर्मेंट फियर्स ई यू ड्राफ्ट ड्यू इटेलिजेंस लॉ मे हिच स्मॉल बिजनेस ये न्यूज भी हम डिस्कस कर चुके हैं मिनट में अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप नेक्स सेंटर टू रि कंसल्टेशन विद फॉर्म्स शॉर्ट लिस्टेड अंडर पी एल आई स्कीम कल गवर्नमेंट ने पी एल आई स्कीम का रिव्यू किया था हमने डिस्कस करी थी वो न्यूज फाइनली so, सेंटर जो है उन सारी कंपनीज के साथ वापस से नेगोशिएट करने जा रही है मुदरते टॉक्स को री इनिशिएट करेगी ऐसी कंपनी जो कि पी एल आई स्कीम के तहत शॉट लिस्टेड हुई थी तो उनके जितने भी चैलेंजेस हैं उनको मिटिगेट करने के लिए गवर्नमेंट फिर से जो टॉक्स है नेगोशिएशन है वो इनिशिएट करने जा रही है तो ऐसे छः सेक्टर जहाँ पर पी स्कीम को बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन या बहुत ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिला कुछ कंपनीज़ जो कि इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस पी स्कीम में इन छः सेक्टर्स में लेकिन फ़िलहाल के लिए उन्होंने एक्चुअल में अपना जो कन्वर्जन है इन्वेस्टमेंट का वो नहीं किया उसी को लेकर के जो सेंटर है वो फिर से उन सारी कंपनीज़ के साथ नैगोसिएशन स्टार्ट करने जा रहा है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड को डायरेक्टिव दिए गए हैं कि वो मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर के पी एल से नेगोसिएशन फिर से स्टार्ट करें उनके जो चैलेंजेस हैं उनको सुने और उनको ओवरकम करने की कोशिश करें आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप नेडकरी पिचर्स फॉर फिफ्टीन परसेंट मेथेनॉ ब्लेंडेड डीजल तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं मिस्टर नितिन गडकरी उन्होंने ट्यूसडे को रिकमेंड किया है जो मेथेनॉल ट्रक है उनके यूजेस को प्रमोट करने के लिए बोला है रिकमेंडेशन करी और मेथनॉल ब्लेंडेड डीजल जो है उसको यूज़ करने की बात करी जैसे कि एक जो गवर्नमेंट का सेंटर गवर्नमेंट का जो एम्बिशस गोल है जहां पर कॉस्ट नेशनल कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक को रिड्यूस करने की बात कही उसको अचीव करने के लिए इन दो इशूज़ को प्रमोट करने की बात कही है हमारे जो यूनियन मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी हैं उन्होंने बोला है कि जो मेथनॉल ट्रक है उनका जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है उनकी जो ग्रोथ है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ रही है दिस इज ऑल्सो अ सक्सेसफुल दिस इज ऑल्सो इंडिकेशन ऑफ अ सक्सेस और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो है वो अभी फिलहाल के लिए पंद्रह परसेंट मैथेनॉल ब्लेंडेड डीजल के लिए पॉलिसी बना रही है और कई सारे जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज हैं दे शुड अडॉप्ट दिस फिफ्टीन परसेंट मैथनॉल ब्लैंडेड डीजल इन ऑर्डर टू रिड्यूज द कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक नेशनल कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक जिससे कि जो क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी है वो रिड्यूज हो और जो ओवरऑल कॉस्ट आ रही लॉजिस्टिक की वो भी रिड्यूस हो तो लेटस सी ये तो खाली अभी प्रमोशन स्ट्रेटेजीज हैं जब इंडिया में इस पर्टिकुलर पॉलिसी को लेकर के जहाँ पर पचपन परसेंट मेथेनॉल ब्लैंड डीजल की बात हो रही है अगर वो इंप्लीमेंट हो जाती तो फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे अब देख लेते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ऑन जैम पोर्टल प्रोसेस फिफ्टी के करोड़ इन क्वार्टर वन तो, तो गवर्नमेंट का जो ई मार्केट प्लेस पोर्टल है जिसको हम जेम के नाम से भी जानते हैं उसमें पचास हजार करोड़ का ग्रॉस मर्केंटाइज वैल्यू का ट्रांजैक्शन हुआ है जो कि पिछले साल से वन पॉइंट टाइम्स वन पॉइंट फाइव एक्स या वन पॉइंट फाइव टाइम्स यानी डेढ़ गुना ज्यादा है एज पर द सीनियर ऑफिशियल तो इट मीन्स जैम पोर्टल्स के थ्रू जो बाइंग है जो सेलिंग है वो इंक्रीज हो रही है अगर हम देखें शेयर्स की तो फिफ्टी थ्री परसेंट सी पी एस सी का शेयर है सेंट्रल मिनिस्ट्रीज थर्टी परसेंट और स्टेट्स का सेवेंटीन परसेंट इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज ट्रांजेक्शन फ्रॉम अप्रैल टू जून तो पचास हजार करोड़ का ट्रांजेक्शन क्वार्टर वन में देखने को मिला जैम पोर्टल्स के थ्रू सो दैट इज all for today students please like share and subscribe thank you have a nice day